नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। होली की सुगबुगाहट वातावरण में आ रही है और फुलेरा दूज के साथ ही मोटे तौर से होली का पर्व आरंभ हो चुका है। इसी क्रम में एक और पर्व भी है जिसे हम रंग भरी एकादशी कहते हैं। रंग भरी एकादशी की महिमा क्या है, इसे आमलकी एकादशी क्यों कहते हैं, इस दिन का विधान क्या है, इसको जानने का कार्यक्रम में प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 20 मार्च 2024 दिन बुधवार, तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, रात के 10:38 तक चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 20 मार्च 2024 दिन बुधवार को प्रातःकाल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। मंगल शुक्र और शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में, सूर्य बुध और राहु विद्यमान हैं मीन राशि में, बृहस्पति मेष राशि में, चंद्रमा कर्क राशि में और केतु संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में। सबसे पहले जानते हैं कि रंग भरी एकादशी क्यों है, इसे कहते क्यों हैं। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को काशी में यानी वाराणसी में रंग भरी एकादशी कहा जाता है। इस दिन काशी में बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है और काशी में होली का पर्व काल आरंभ हो जाता है। पौराणिक परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार रंग भरी एकादशी के दिन ही भगवान शिव माता पार्वती से विवाह के बाद पहली बार उनको साथ में ले करके अपनी प्रिय नगरी काशी में आए थे। इस पर्व में जब ये पर्व मनाते हैं तो शिव जी के गण उन पर और समस्त जनता पर रंग अबीर गुलाल उड़ाते हुए चलते हैं, खुशियां मनाते हैं और इसी दिन से वाराणसी में रंग खेलने का सिलसिला आरंभ हो जाता है जो लगातार 6 दिन तक चलता है। ब्रज में होली का पर्व होली से 8 दिन पहले होलाष्टक से शुरू होता है और वाराणसी में ये पर्व शुरू होता है रंग भरी एकादशी से। इस दिन भगवान शिव को विशेष रंग अर्पित करके धन संबंधी तमाम मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं, जीवन में खुशियों का और आनंद का वरदान पाया जा सकता है। इस बार रंग भरी एकादशी का ये सुंदर पर्व 20 मार्च को मनाया जाएगा।
चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में समस्या रह सकती है, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, छोटी यात्रा हो सकती है, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक चिंता दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, करियर की बाधा दूर होगी, किसी पारिवारिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। भगवान गणेश को अगर दूर्वा अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, चिंताओं से आपको राहत मिलेगी, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि रंग भरी एकादशी पर भगवान शिव की किस प्रकार उपासना करें ताकि आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएं। प्रातः काल स्नान करके पूजा का संकल्प लीजिए कि मैं आज शिव जी की पूजा करूंगा या करूंगी। घर से एक पात्र में जल भर करके शिव जी के मंदिर जाइएगा। साथ में अबीर, गुलाल, चंदन और बेलपत्र भी ले जाइएगा। पहले शिवलिंग पर चंदन लगाइए, फिर बेलपत्र लगाइए और जल अर्पित करिए। सबसे अंत में जो रंग आपको सबसे ज्यादा पसंद हो उसी रंग का अबीर और गुलाल अर्पित करिए। इसके बाद आर्थिक समस्याओं के समाप्ति की प्रार्थना करिए। अगर कोई और समस्या भी है, आपकी मानसिक समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, वैवाहिक जीवन में समस्या है, तो अबीर गुलाल अर्पित करने के बाद उसकी भी प्रार्थना आप कर सकते हैं। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, चोट चपेट से बचाव करें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, पारिवारिक मामलों में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी, पारिवारिक समस्या हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को
अगर धन का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। तुला राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपके बदलाव का समय है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, लंबी यात्रा हो सकती है, संपत्ति का लाभ हो सकता है, काम की रुकावट दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, रंग भरी एकादशी को आमलकी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि इसका संबंध आंवले से भी होता है। रंग भरी एकादशी का आंवले से क्या संबंध है ये भी जान लेते हैं। देखिए, रंग भरी एकादशी पर आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है, साथ ही साथ आंवले का विशेष तरीके से प्रयोग किया जाता है। ऐसा करने से उत्तम स्वास्थ्य की और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आंवले का प्रयोग चूंकि इस एकादशी पर होता है, इसीलिए इस एकादशी को आम लकी एकादशी भी कहा जाता है। तो रंग भरी एकादशी पर आंवले का भी पूजा किया जाता है, आंवले की भी पूजा होती है, आंवले के फलों का प्रयोग होता है। तो ये जानते हैं कि इस एकादशी पर आंवले के वृक्ष की पूजा कैसे करेंगे। प्रातः काल आंवले के वृक्ष में जल डालिए, आंवले के वृक्ष पर फूल, धूप और नैवेद्य अर्पित करिए। वृक्ष के निकट एक घी का दीपक जलाइए, उसके बाद हाथ में जल लेकर के लोटे में या गिलास में वृक्ष की 27 बार या 9 बार परिक्रमा करिए। परिक्रमा पूरी होने पर वो जल आपको वृक्ष में डाल देना है। इसके बाद सौभाग्य और स्वास्थ्य प्राप्ति की प्रार्थना करिए। अगर आमलकी एकादशी पर आप आंवले का पौधा लगाते हैं तो ये और भी ज्यादा आपके लिए उत्तम होगा। इस दिन आंवले को खाना, भगवान को समर्पित करना, आंवले का दान करना और आंवले का पौधा लगाना, ये सब बहुत उपयुक्त होगा। अगर आप आंवले के पौधे का प्रयोग करें, उसके फलों का प्रयोग करें तो आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और जीवन में सफलता भी मिलेगी। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, करियर में सफलता के लिए धैर्य रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मकर राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, करियर की बाधाएं दूर होंगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, काम की अधिकता रहेगी,
धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है। भगवान गणेश को अगर दूर्वा अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, रंग भरी एकादशी पर भगवान शिव की अगर आप पूजा करते हैं और ख़ास तौर से अपने पसंद के जो रंग हैं, अगर आपको गुलाबी रंग पसंद है तो गुलाबी रंग से, पीला रंग पसंद है तो पीले रंग से भगवान शिव की पूजा करते हैं, यानी शिवलिंग पर अपने पसंदीदा रंग अगर आप अर्पित करते हैं और अपनी प्रार्थना करते हैं, अपनी मनोकामना कहते हैं, तो वो मनोकामना आपकी आसानी से पूरी हो जाएगी। देखिए, जो रंग आपको पसंद आता है उसका मतलब ये है कि उस रंग से संबंधित आपकी मानसिक स्थिति बनी हुई है। इसीलिए जिस समय जैसी मानसिक स्थिति होती है उस समय वैसा ही रंग व्यक्ति को पसंद आता है। तो रंग भरी एकादशी पर आप सोचिए कि कौन सा रंग इस समय आपको अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सा रंग आपको प्रभावित कर रहा है, वो रंग आप भगवान शिव को अर्पित करेंगे तो आपके जीवन की मुश्किल दूर होगी। और ख़ास तौर से रंग भरी एकादशी पर प्रेम और रिश्तों का वरदान जरूर मिलता है, वो तो आपको मिलेगा ही। आंवले का प्रयोग भी रंग भरी एकादशी पर करते हैं। अगर आप धन संबंधी समस्याओं से परेशान हैं, धन संबंधी बाधाएं परेशान कर रही हैं, तो पूजा स्थान पर अपने सामने आंवला रख करके कनक धारा स्तोत्र इस स्तोत्र का अगर आप रंग भरी एकादशी पर पाठ करें, उसके बाद आंवले का दान करें और आंवला प्रसाद के रूप में ग्रहण करें तो आपके धन संबंधी बाधाएं भी दूर हो जाएंगी। तो कुल मिला के होली का जो पर्व है वो ये समझा जाता है कि भगवान कृष्ण से ही केवल संबंधित है, जबकि होली का पर्व भगवान शिव और माँ पार्वती से भी संबंधित है। उनके साथ भी होली खेलने से, अबीर गुलाल अर्पित करने से आपका कल्याण अवश्य होगा। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको त्वचा की नियमित समस्या रहती हो तो रोज सुबह ब्रश करने के बाद नीम की कोमल पत्तियां खाइए। वैसे अब बाजार में नीम की पत्ती से बनी हुई गोलियां भी मिलती हैं, इनका सेवन भी आप सुबह खाली पेट करें, आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 20 मार्च 2024 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। दिनांक 20 मार्च को प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिए। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लीजिए। अगर आज सुबह सुबह या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।